कभी भी पे करने से पहले पैसेंजर से पूछ लीजिए कि आपने कितना पे किया। बस ये है भाई, ये कुछ इस तरह की सीट है भाई। मैं कह रहा था कि आप फॉरेनर हैं तो कीनिया में या अफ्रीका में आपके साथ चीट ना हो। इम्पॉसिबल मैन। कीनिया की ट्रेडिशनल है, इसको बोलते हैं गिथेरी। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभी नैरोबी में, कीनिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल में, और यहां से मुझे सेकंड लार्जेस्ट सिटी में जाना है जिसका नाम है मुम्बासा। तो मुम्बासा के लिए आपको गाड़ी टाउन से भी मिलती है और आपको यहाँ पे मोलो लोंगो से भी मिलेगी। हमारा स्टे जो था सिग्नेचर मॉल के पास था और वहाँ से हमें मोलो लोंगो पास पड़ रहा था, तो अभी हम मोलो लोंगो में पहुँच चुके हैं। यहाँ से बस टिकट लेते हैं, बस का क्या फेयर है सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और बस जर्नी भी शेयर करते हैं। आप लोगों को अगर मेरे से बात करनी है, कोई भी क्यूरीज के लिए बात करनी होती है, कुछ भी पूछना है, तो मेरा इंस्टाग्राम सामने दिया गया है, जाके फॉलो कीजिए और कुछ भी पूछ लीजिए। सुबह के बज चुके हैं 7 और मॉर्निंग लाइफ कुछ इस तरह की है। मुम्बासा ब्रदर, आई वॉन्ट टू गो मुम्बासा एक्चुअली। मुम्बासा मुम्बासा फ्रॉम वेयर वी विल गेट द बस फॉर मुम्बासा? 100 मुम्बासा मुम्बासा दैट साइड। ओके थैंक यू। इनको तो पैसों के बगैर बात ही नहीं होती है। मैंने पूछा मुम्बासा का बस स्टैंड कहाँ पे, बोल रहे 100 लूँगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये है अभी कुछ मॉर्निंग लाइफ नैरोबी की। मोलो लोंगो ऐसा चल रहा है सुबह सुबह, सभी लोगों को आपने देखा होगा जैकेट्स पहने हुए, क्योंकि मौसम यहाँ पे ठंडा है। सुबह सुबह थोड़ी ठंड रहती है, दिन को थोड़ी सी गर्मी होती है, बट मैं पावरफुल गाय विदाउट एनी स्वेटर। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। आई वॉन्ट टू गो मुम्बासा, सो वेर इज द बस स्टॉप हियर फॉर मुम्बासा? बस स्टॉप, देयर इज अ पेट्रोल स्टेशन नेम शेल। पेट्रोल स्टेशन, या गो दिस वे, दैट वे। थैंक यू। बड़ा बड़ा नहीं चाहिए अभी, ये पास में ही है कहीं स्टेशन। तो भाई साहब मोलो लोंगो से बस तो कोई नहीं मिली, वहाँ से सारी की सारी टिकट्स थी जो बुक थी। तो अभी मैं टाउन में आ गया हूँ, टाउन में कोशिश करता हूँ बस मिल जाती है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो रात को रुकना पड़ेगा। ये भाई हमारी हेल्प कर रहा है। आपको ना ऐसे हेल्प करने के लिए बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, साथ में आपको चलेंगे। उनका यही मानना होता है कि ये लोग आपकी हेल्प करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उनको टिप देनी होती है। It's too much, man. No. How much do you have? We now like 1500 to 2000 is the rate for from here to Mombasa. No, 3K is the last price. No. Then they were asked for only less. This is too much. Too much. We can pay 2K last. Huh? 2K last. Every people come going to Mombasa only 2K, 15 to 15. 2K, 21K, oh, 2.1K. Only last is the last. He was 5,000. Huh? 5,000. We are budget travelers, seriously, man. Try to understand. He was 5,000. We are go for 4.2K, that's fine. Huh? 4.2K. Where you go for? We are not from Europe, man. We are not European, man. We are Indians. What do you want much to pay? 4.2. Each person. 2.1K. 2.1K. 2K each? Yeah. No. 4.2K. 4,200. 4,200. Yeah. 4.5. That's a 4.5. Please, man. Please, and we are not from Europe, man. We are Indians, man. you are come from Europe. No. We can show you the passport. We don't have much money. We don't have much money. Seriously. Give this guy also that money. Give him 4,200. Okay, this is it. Bus check. Bus. You have good bus. Bus. Yeah. Can we see the bus? Yeah. Very special. तो ये भाई साहब हमने ये नेगोशिएट करके कम करवा के 2100 का किया, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। देर दे जस्ट गिव लाइक दिस 1500, दे आर जस्ट चार्जिंग 2100। नो, वी जस्ट गिव अस मनी बैक। व्हाट डू यू वांट? वी डोंट वांट टू गो बाय दिस बस, वी थॉट यू हैव गुड बस। एंड व्हाई आर यू टेकिंग फोटो? दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, लाइक हाउ यू आर। व्हाई आर यू टेकिंग? 4 दिन पहले, 4 दिन पहले। Which bus do you want? We are UD bus. Which bus do you want?
We want good bus, like good bus, like luxury bus. No, yeah, thodi badi si nahi hai. This is evening. Not for now. Still that bus is okay. No, this is still that bus is okay for us. That bus, still that is okay. But for evening, not now. No. They are charging 2100 for one person. Is it like that? Yeah, it's okay, my friend. You are going with this lady. It's a good one. You are going with this lady. 2100 is okay. Yeah, it's okay, my friend. You are not lying. You are talking the truth. Yeah. No, come on. Just end it. Like 6 hours. By 4 PM, you'll be in Mombasa swimming. भाई साहब ये बस मिली है, पैसे तो हमें से इन्होंने ज्यादा चार्ज किया। की पावर लगे सब बैग बैग। बस लोकल है भाई, ज्यादा उतनी अच्छी नहीं है। यू आर पैसेंजर आर यू अ वर्कर हियर? यस आई वर्क हियर, आई एम द कंडक्टर। बट यू चार्ज अस मोर आई नो। यस यू चार्ज अस मोर प्लीज। बस ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हमसे पैसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चार्ज किए। चलो फिर भी ओके। वी वांट वन विंडो सीट, ओके? दैट फ्रंट वन इज फॉर स्टाफ, दैट वन। या माइन वन, देन द अदर वन। इफ यू कैन यूज द अदर वन। वांट टू सीट टुगेदर। या सो यू कैन फाइंड अनदर वन। कैन यू रिक्वेस्ट एनीवन लाइक यू नो इफ वी बोथ सीट टुगेदर? No, we want one window seat. Vomiting problem. Can you request to any brother here? These both brother. These two brothers. Can you please go? They are requesting to sit here. You allow them? Unless they give us something. Okay, come and sit here. ओह थैंक यू सो मच। ये कुछ इस तरह की सीट है भाई, अभी हमारी मजबूरी होगी वो, हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए। भाई साहब आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि 2100 रुपया चार्ज किया इन्होंने हम लोगों से। बस भी उतनी अच्छी नहीं है, इतनी शिलिंग्स में आप अच्छी बस कर सकते हो। ये जो बस है बिल्कुल लोकल बस है, आप देख सकते हैं पूरी लोकल बस है, और हमसे 2100 इन्होंने चार्ज किया, बल्कि इतना है नहीं है, 1500 रुपया बाकी सबसे चार्ज किया, हमसे इन्होंने एक बंदे का 2100 रुपया चार्ज किया। ये हमारी मिस्टेक है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। किराया देने से पहले आपको पैसेंजर से बात कर लेनी चाहिए, या फिर किराया आप किसी लोकल के हाथ दें और वो आपका किराया दे। ये चीज़ें माइंड में रखिए, किसी लोकल से बात करके पूछिए कितना किराया, फिर जाके किराया दीजिए, नहीं तो किसी लोकल बंदे को पैसे दे के बात करवाइए। खुद बात करेंगे तो ज़्यादा ऐसे ही होगा जैसे हमसे 600 शिलिंग्स इन्होंने ज़्यादा चार्ज किए। बस ये है भाई, एंड गलती से हमने 2100 दे दिया एक बंदे का, इसका 2100। बस तो आपको अंदर से भी दिखाई मैंने हल्की सी, लेकिन बस कुछ खास नहीं है, जस्ट लोकल बस है। सीट्स भी आपने देखी कि कुछ खास नहीं है। गुस्सा इस बात का आ रहा है कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक्स्ट्रा हमने दे दिए, लाइक इंडियन रुपीज़ होगा 300-400, बट क्यों इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी? ये जो लड़की है, इस लड़की की वजह से यहाँ पे, लड़की बोलती है 2100 इज़ ओके फाइन, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा धोखा हो गया ये हमारे पास। चलिए अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें जो मैंने आपको बताई, कभी भी पे करने से पहले पैसेंजर से पूछ लीजिए कि आपने कितना पे किया, या फिर किसी लोकल बंदे से बोलिए कि वो पूछ के बताए कि कितना पे है। कुछ इस तरह की बस है हमारी, पूरी लोकल बस है पूरी की पूरी। अब ये कब निकलेगी वो पता नहीं है। ये कुछ चल रहा है बाहर अभी, अभी हमारी बस का डिपार्चर टाइम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोकल बसेस का डिपार्चर टाइम बिल्कुल नहीं होता है, जब तक ये पैक नहीं हो जाती हैं तब तक नहीं निकलती हैं। अभी हमें तकरीबन एक घंटा हो गया बैठे हुए, अभी एक घंटे से ज़्यादा भी हो गया होगा, 10:15 हो चुके हैं, बट हमारी बस है जो अभी तक यहाँ से डिपार्ट भी यहाँ से नहीं निकले। अस्सलाम वालेकुम, कैफा हाल है बीबी? 1111 हाउ मच फॉर वन? 50 बॉक्स या जी बस टू वन मोर
Thank you, Asante. I'm paying now. Do you have change? 50 का भाई, मेरे को ये फ्रूट चाट बहुत अच्छा लगता है और हल्की सी भूख भी लग रही थी, ये निकल ही रहे, इतना टाइम हो गया। इसमें आपको पपीता मिलेगा, इसमें आपको पाइन एप्पल मिलेगा, ये फ्रूट पता नहीं क्या है भाई। What you have, my friend? Which one? What? Thank you. I have this one. थैंक यू। यहाँ पे ना ये वेंडर्स भी होते हैं बसेस में आके ये बेचते हैं, और लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अशांति, अशांति। चार घंटे का सफ़र करने के बाद अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ ब्रेक टाइम लेना है हमने यहाँ पे होटल पे जाके, रेस्टोरेंट पे जाके कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन भाई साहब इस बस में इतना लंबा ट्रैवल करना ये आसान बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत थक गए थे हम। तो कुछ इस तरह की जगह है जिस जगह पर हम रुके हैं, यहाँ पर रुकी है हमारी बस, अभी कुछ खाते पीते फ्रेश हो जाते हैं और फिर सफ़र की तरफ निकलते हैं। ये है होटल का नेम ताले होटल। सुबह मैंने सिर्फ एक दूध का ग्लास पिया था और एक बनाना खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, रास्ते में हल्का सा कुछ खाया था, फ्रूट चाट, बाकी कुछ नहीं। तो अभी पहले वॉशरूम हो लेते हैं, फिर उसके बाद है जो खाना खाते हैं। ये है भाई साहब यहाँ का ट्रेडिशनल फूड, इसको बोलते हैं उगाली, और ये बीन्स के साथ खाई जाती है। और ये कुछ मेरे को साथ में ये कैबेज भी दिया इन्होंने, करते हैं ट्राई। मीठा नहीं होता ये, नमकीन इसका टेस्ट है, जो थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है। और मक्की के आटे का बनता है भाई साहब ये, और यहाँ की ट्रेडिशनल फूड है ये, अच्छा लग रहा है। सेल्फ सर्विस थी भाई, अच्छा होटल था, अच्छा रेस्टोरेंट था, अच्छा खाना लगा। जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था वहाँ से 490 किलोमीटर था, और अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं, हेलो, ये है हमारी बस होस्ट, गुड मॉर्निंग। नो इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, ओह सॉरी, इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग। फ्रॉम नैरोबी टू मोम्बासा इट्स 490 किलोमीटर राइट? यस। एंड फ्रॉम हियर टू मोम्बासा? फ्रॉम हियर टू मोम्बासा आई डोंट वांट टू गेस, आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स, आई मीन या ऑलमोस्ट 2 hours. 2 hours? Are you sure? Yes, I'm But in the morning you told me by 4 o'clock we'll be reaching there. But it's because we got some jam there. You saw those trailers? Not jam, you started from there only late. You saw the jam, the trailers. You didn't see the trailers? The accident? Okay. There was an accident. बहुत गप्पे मारते हैं ये, सुबह बोल रहे थे कि 4 बजे पहुँच जाएंगे, तो अभी तो लगता नहीं है कि 4 बजे पहुँचेंगे, टाइम तो लगने वाला है। तो आई थिंक हमने आधे से ज़्यादा सफ़र जो कम्प्लीट कर लिया है। कीनिया के लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इनको मिल्क बहुत पसंद है, खाना खाने के बाद यू टेक आफ्टर फूड दिस मिल्क? यस आफ्टर फूड, यस आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद दूध है जो लेना ही होता है भाई। यू टोल्ड अस वी विल रीच हियर बाय 4 o'clock. इट वाज जाम, वी सो जाम देयर, नो जाम, नो जाम, यू चीटेड अस, यू चीटेड अस। मैं कह रहा था कि आप फॉरेनर हैं तो कीनिया में आए या अफ्रीका में, आपके साथ चीट ना हो, इम्पॉसिबल मैन। कह रहे थे ये 10 बजे पहुँचेंगे, अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, सॉरी कह रहे थे ये अभी शाम के 4 बजे पहुँचेंगे, तो अभी आप टाइम देख लीजिए 11:15 बज चुके हैं। वहाँ से हम निकले थे कुछ सुबह बैठे थे बस पे 10 बजे, और वहाँ से डिपार्चर हुई 12 बजे, दो घंटे बैठने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं मोम्बासा में, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पे कीनिया की। अभी यहाँ से हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी कुछ ठिकाने नहीं। आप मेरी आंखें देख लीजिए, नींद से सूजी हुई है मेरी आंखें। अभी कुछ देखते हैं रूम वगैरह, फिर उसके बाद आपसे बात भी करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा, मैं फ्रेश हुआ हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, फ्रेश इन द सेंस लाइक थोड़ा सा अभी मेरी आँखें खुल रही हैं, थोड़ी ठंडी हवा लग रही है। तो अभी मोम्बासा का मेन टाउन है, कुछ इस तरह का ये चौक सा बना हुआ है, अच्छा दिख रहा है सामने, आई थिंक ये मस्जिद है। सो अभी हमें रूम वगैरह, हमारे पास तो सिम कार्ड है नहीं जो कि हम ऑनलाइन बुक कर पाते।
सिम कार्ड ना मुझसे कहीं खो गया है, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन रूम है जो बुक नहीं कर पाए, तो अभी हमें वॉक करके ही देखना पड़ेगा हमें फिलहाल। भाई साहब रात को थक गया था, वीडियो एंड नहीं कर पाया, मैंने कहा सुबह ब्रेकफास्ट करते ही वीडियो एंड करूँगा, तो अभी मैं मुंबासा में ही हूँ। सुबह सुबह उठ के मैं पहुँचा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये भी केन्या की ट्रेडिशनल है, इसको बोलते हैं गिथेरी। ये आपको बीन्स दिखेंगी, फिर उसके साथ साथ आपको ये मकई के दाने हैं बॉइल्ड, उसके बाद ये कैबेज है, और ये पोटैटो है, और ये मुझे बहुत पसंद है यार। और अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है यार, बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। नमक मिर्ची होती नहीं, तो मुझे वही चीज़ें पसंद है जिसमें नमक मिर्ची कम होता है। रात को हमें रूम वगैरह जो मिल गए थे, 1000 केनियन शिलिंग का मिल गया था रूम हमें, तो हम अच्छे तरीके से सो गए थे। तो आज हम मुंबासा की आपको सैर करवाते, लेकिन इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। ब्रेकफास्ट करके मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें, अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस, सबको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।